हाय गाइस, हियर इज शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्जी डॉट कॉम एंड वेलकम इलेक्शन नंबर 50। आज हम देखते हैं कि हम क्यूरीज के बाद जो है रिजल्ट्स को कैसे रिट्रीव करते हैं एंड उसे कैसे शो करवाते हैं जो है अपने फंक्शंस पे। फिलहाल हम कंट्रोलर की तरफ आएंगे, हम यहाँ से भी देखते हैं कि हम चीज़ें मैनेज कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे पास मेन कंट्रोलर है होम के नाम से एंड हमने एक मॉडल बनाया हुआ है मॉड अंडरस्कोर होम डॉट पी एच पी के नाम से जो हमने लोड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है फेच करवाएंगे यहाँ से फंक्शन कॉल करवाने के बाद। फिलहाल चलो ठीक है, हम दोबारा कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर में है फिलहाल, आप देख सकते हैं कि हम कंट्रोलर में है, ठीक है। हम यहाँ से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है फैच करवाएंगे एंड क्यूरी का रिजल्ट जो है वो जनरेट करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे हम, दिस जो है लोड, आपको लोड क्या करवाना है, मॉडल, देन आपको पता है कि मॉडल का नेम जो भी वट एवर आपने बनाया हुआ होगा, मैंने मोड होम के नाम से बनाया हुआ है, पीएचपी देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा एंड खुद ही लोड करेगा। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं, दैट मींस प्रॉपर आपका लोड हो गया। अगर कोई आप एरर जन अगर आप मैंने मोड एच ओ एम ई होम के नाम से अपना जो है मॉडल बनाया हुआ है, फिलहाल मैं ई नहीं दे रहा, मींस मैं एरर जनरेट करवा रहा हूँ। जैसे ही देखेंगे तो वो कहेगा अनेबल टू लोकेटेड, वो कहेगा कि मुझे ऐसा कोई भी जो है मॉडल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आपका मॉडल ठीक नहीं तो आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा एरर, ठीक है। आपने एक दफा मॉडल को लोड कर दिया, देन आप उसी मॉडल को यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमने मॉड होम को लोड किया, देन हम मॉड होम को यूज करेंगे। अब देन हम कहेंगे कि भाई जो मॉडल आप हमने लोड किया है उसके अंदर एक फंक्शन है, फॉर इंस्टेंस गेट स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। अब ये एक मेथड है, जाहिर सी बात है ये मेथड है, इसकी डेफिनेशन मॉडल के अंदर होगी। हम यहाँ पे आएंगे, फॉर इंस्टेंस गेट स्टूडेंट्स के नाम से हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी फंक्शन आप यहाँ से कॉल करवाएंगे जाहिर सी बात है वो मॉडल में बनाएंगे। हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम आप देखेंगे दिस डीवी, ठीक है, यहाँ पे आप क्यूरी लिखेंगे, ठीक है। क्यूरी आप कस्टमली लिखें या फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट से, ठीक है, एंड देन रिटर्न करवाता हूं ये क्यूरी, ठीक है। यहां पे रिटर्न आया हमें रिजल्ट, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं क्यूरी, ठीक है, बिकॉज ये मॉडल से आ रही है क्यूरी क्यूरी, ठीक है। अब हमें ये रिजल्ट तो मिला, आप जो है वो कैसे चेक करेंगे कि आपको रिजल्ट मिला, प्रिंट आर के जरिए भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये हमने पहले भी बताया था 20 रोज आपको मिल रही है, ठीक है, एंड सेकंड में आप जो है नम रोज के जरिए भी करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्यूरी नम नंबरोस, ठीक है। वापस जाएंगे, एको करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, 20 रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए तो फॉर ईच, जाहिर सी बात है फॉर ईच का लूप हम चलाएंगे एंड देन आप क्यूरी रिजल्ट, रिजल्ट का एक फंक्शन है जो क्या करेगा आपको जो है ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है, रिजल्ट एज रो, ठीक है। हम इसे हटा देते हैं एंड देन हम लेके आते हैं इसे, हम एको करवाते हैं, जाहिर सी बात है हमें ऑब्जेक्ट मिला है तो रो, ठीक है, देन फील्ड का नेम, फॉर इंस्टेंस हमने स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमें स्टूडेंट नेम दे रहा है जितने भी हैं हमारे नेम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी आर का टैग लगाते हैं तो ये देखें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। देन आपने और क्या जो है एको, फॉर इंस्टेंस बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, देन हम डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स कॉलम्स नेम दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम पी एच पी होस्ट, देन पी एच पी माई एडमिन खोलेंगे आप तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने स्कूल के नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है एंड देन स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास एक टेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आई डी के नाम से आई डीज हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के नाम से हमारे पास एक कॉलम है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट अंडरस्कोर यूजर नेम, हमने शुरू में भी बताया था, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम हमने गेट किया यहाँ से ये, ठीक है, देन हम स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है,
हम सेम तरीके से जो है लाइन को बैक करते हैं, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एज अ एरे आपको मिले तो आप रिजल्ट, आई थिंक एरे है, RAY एंड देन आप डॉलर रो स्टूडेंट नेम, इसे हम एको करवाते हैं तो बिल्कुल आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट एरे का फंक्शन क्या करेगा, आपको एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ऐसे भी जो है यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी जो है वो चीजों को। देन यहाँ पे आप स्टूडेंट रोल, ठीक है, आप दोनों को एको करवा दें। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट STD आर ओ स्टूडेंट नेम एंड देन स्टूडेंट रो, सॉरी आप डिबगिंग कर सकते हैं, आपको ये बता रहा है कि अनडिफाइंड RWO। ठीक है, तो डिबगिंग आप ऐसे कर सकते हैं अगर कोई भी आपको एरर आएगा। ठीक है, तो ये आप एज अ एरे भी रिट्रीव करवा सकते हैं, या अगर आप जो है वैलिडेशन करवाना चाहते हैं पहले। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि अगर तो मुझे रिकॉर्ड्स मिले तब शो हो, अदरवाइज जो है यूजर को मैं दिखा देता हूँ कि भाई रिकॉर्ड जो है शो नहीं हुए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट क्यूरी एंड देन जो है फॉर इंस्टेंस इफ एल्स, जाहिर सी बात है कंडीशन लगाएंगे हम। ठीक है, हम मैं इफ में जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ क्यूरी, ठीक है, एंड देन नम रोज, मैं चेक करूंगा नम रोज जब ग्रेटर देन हो 0 के। ठीक है, अगर तो ग्रेटर देन 0 है मींस हमें रिकॉर्ड मिल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 मींस हमें रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो वो एको करे फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट नेम। हम फिलहाल स्टूडेंट नेम ही प्रिंट करवाते हैं, अदरवाइज हमें प्रिंट करवा दें। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड अनडिफाइंड स्टूडेंट नेम, बिकॉज हम यहां से रो ROW एंड देन, ठीक है, और तो एज अ, ओह सॉरी हम तो लूप चला ही नहीं रहे यहाँ पे। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है अगर तो ग्रेटर देन होंगे तो फिलहाल के लिए चलो ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई फाउंड रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो रिकॉर्ड फाउंड मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर ईच का लूप चलाएंगे एंड देन जाहिर सी बात है क्यूरी आ रही है आपको। ठीक है, एंड देन उसे आप क्यूरी एज फॉर इंस्टेंस रो, ठीक है, एंड देन इसे हम हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं ताकि आपको चीजें बेहतर अंदाज में समझ में आए, एंड थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें रिकॉर्ड मिला, आपको जो है वो किस फॉर्म में चाहिए, अगर तो आपको ऑब्जेक्ट्स में चाहिए तो रिजल्ट लिखेंगे आप। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आने के बाद जस्ट जो है रो एंड देन फील्ड का नेम, मीन्स कॉलम का नेम, वापस जाएंगे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड्स जो है वो मिल रहे हैं प्रॉपर। अगर जो है रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे तो वो एरर शो करवा देगा कि भाई मुझे रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिले। फॉर इंस्टेंस हम इसी जो है स्कूल के अंदर एक हम टेबल बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस लाइब्रेरी के नाम से, एंड हम उसके कॉलम्स डिफाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस थ्री थ्री कॉलम हम डिफाइन करते हैं एंड जल्दी जल्दी से हम आईडी लिखते हैं, इंटीजर हो, लेंथ 255 हो, ठीक है, वट एवर, एंड नेम हो एंड एस नेम हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जस्ट जो है यहाँ पे आएंगे एंड हम अपने मॉडल में जाएंगे एंड जस्ट जो है यहाँ पे लाइब्रेरी लिखेंगे बिकॉज हमने टेबल जो अभी अभी बनाई है। हम वापस जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो बता रहा है कि भाई रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो यहाँ पे आप व्यू जो है वो लोड करवा सकते हैं कोई भी, जाहिर सी बात है आप यूजर को ये वैल्यू दिखाएंगे जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो आप जो है व्यू लोड करवा सकते हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई भी व्यू अगर होगा, व्यू 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 देखते हैं, हमारे पास लॉगिन के नाम से एक व्यू रखा हुआ है हमारे पास, हम लॉगिन का व्यू करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस
लॉग इन एंड देन हम डेटा भेजते हैं एज एरे फॉर्म में। जाहिर सी बात है डेटा हम एज एरे फॉर्म में भेज रहे हैं एंड देन डेटा भेज क्या रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है फॉर इंस्टेंस नॉट, ठीक है, एंड देन बिकॉज की से हम एक्सेस करेंगे व्यू में अपनी जो है वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंस्टेंस रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। हम यहाँ पे जो है व्यू को हम ऑन करते हैं एंड हम ये H1 बनाते हैं एंड H1 बनाने के बाद डेटा को यहाँ हम रिट्रीव करते हैं, हम जो है एको करवाते हैं एंड देन नॉट के नाम से हमने बनाया हुआ था, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नॉट लोड हो चुका है। तो आप चीज़ें जो है ऐसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग जो है नंबरोज, यूजिंग जो है रिजल्ट्स, अगर आपको जो है ऑब्जेक्ट चाहिए या अगर आपको एरे चाहिए तो आप उस अंदाज से यूज कर सकते हैं। तो हमें जो है वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।